हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए एक बड़ी कंपनी, बहुत ही जबरदस्त कंपनी झुंझुनवाला जी इसमें खूब सारा माल दबा कर बैठे हैं। झुंझुनवाला राकेश झुंझुनवाला जी और उनकी वाइफ रेखा झुंझुनवाला जी। लेकिन यहाँ पे बड़ी खबर निकल के आ रही है, उन्होंने अपने दबाए हुए माल में से 1 करोड़ शेयर्स जो हैं वो बेच दिए। ज़रा सोचिए कि अब आपका हो गया यार, 1 करोड़ शेयर्स बेच दिए तो उनके पास खूब सारा माल होगा, डेफिनेटली बहुत सारा माल उनके पास पड़ा है। कौड़ी के भाव इन्होंने 2002 में इस शेयर को खरीदा था और इतना माल भरा पड़ा है और 1 करोड़ शेयर। अब आज की डेट में अगर 1 करोड़ शेयर के अगर मान लीजिए कम से कम प्राइस पे भी उन्होंने बेचा होता तो कितना प्राइस हो गया, 900 करोड़ का। देखिए 900 करोड़ उन्होंने यहाँ पे बेच के निकाले हैं, सोचिए जरा। और कितने शेयर्स उनके पास अभी पेंडिंग है, सारी चीज़ों को देखते हैं छोटे से वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में अगर आप शेयर मार्केट में नए हो और अब तक डीमैट अकाउंट ही नहीं, तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस पर क्लिक करके डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कीजिए। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। आप सीधे लेके जा रहा हूं मैं आपको इस स्टॉक की तरफ। जी हाँ, ये बड़ी खबर है, राकेश झुंझुनवाला जी और उनकी वाइफ रेखा झुंझुनवाला जी, उन्होंने टाइटन कंपनी के 1 करोड़ शेयर्स पिछले 1 क्वार्टर में बेचे हैं। मतलब पहले से अनुमान हो गया था भाई, बड़ी गिरावट से पहले इतना बड़ा मैं कहूँगा शेयर्स निकालना, 1.60% का स्टेक कम हुआ है। और अगर मैं प्राइस के हिसाब से अभी देखेंगे किस प्राइस में पिछले, अगर एवरेज मान के चलेंगे कि किस प्राइस के हिसाब से बेचा होगा, लेकिन फिलहाल अगर आप देखो तो हर कहीं पर चाहे FPI हो चाहे FII DII, माल तो बेचा जा रहा है। अब माल बेचा जा रहा है जब IMF इस तरीके से कड़ी चेतावनी देगा कि भाई 2008 से बड़ी गिरावट है, 2008 से भी ज़्यादा बड़ी गिरावट है, तो माल तो बेचने लोग बेचेंगे। देखिए ये IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये कह रहा है कि भाई ये खतरनाक है, ये जो ग्रेट डिप्रेशन है 1930s का, उसी की तरह से ये वाली सिचुएशन भी होने वाली है, ये IMF की तरफ से। अब टाइटन कंपनी एक बड़ा शेयर है, ज़रा देखिए इसमें शेयर होल्डिंग किस तरीके से है। ये देखिए 4,52,00,000 शेयर्स राकेश झुंझुनवाला जी के नाम है। ये moneycontrol.com से मैं नंबर आपको पढ़ के बता रहा हूँ। देखिए रेखा झुंझुनवाला जी के नाम कितने हैं, ऑलमोस्ट 1,24,00,000। तो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त होल्डिंग इनके पास है, खूब सारा माल इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी रखा है। लेकिन यहाँ पे जो रिपोर्ट आ रही है, ये economicstimes.com की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ ताकि आपको सोर्सेज का भी पता लग जाए कि हाँ कहीं से वैलिड सोर्सेज से ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब आप देखिए यहाँ पे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि उनकी होल्डिंग जो 6.69% की थी पिछले क्वार्टर में वो कम हुई है। तो देखिए आजकल की डेट में अफवाहें काफ़ी चलेंगी, तो आपको मैं यही कहूँगा कि आप जो सोर्स है उसको जरूर ध्यान दें, उस पर ट्रस्ट करें कि हाँ कौन से सोर्स की आप बात कर रहे हो। देखिए economicstimes.com भी यहाँ, इसलिए मैं आपको सोर्स का नाम भी साथ के साथ बता रहा हूँ। ये देखिए 6.69% स्टेक था और इन्होंने अभी दोनों ने मिलकर 1.03 करोड़ शेयर्स जो है यहाँ पे बेचे हैं इस क्वार्टर में। अब आप टाइटन की बात करोगे, टाइटन एक बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही बड़ा शेयर है, 966 के प्राइस के आसपास था, आज की डेट में भी गिरावट यहाँ पे आई है, बढ़िया क्वालिटी का शेयर है नो डाउट, बट इनके पास ऑलरेडी इतने शेयर्स हैं, लेकिन 1 करोड़ शेयर्स बेच के मतलब अभी के इसके प्राइस 966 के हिसाब से लगाओगे तो 950 करोड़ का माल बेचा है। लेकिन इन्होंने पिछले पूरे 1 क्वार्टर में, ऐसा खबर आ रही है कि पूरे क्वार्टर में माल बेचा है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं 1100-1200 के हिसाब से देखा होगा इन्होंने। और जनरली मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जो बड़े लोग होते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, वो मंथली चार्ट को फॉलो करते हैं। और मंथली चार्ट जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे डिटेरियोशन स्टार्ट हो गई थी मंथली चार्ट की, ये जो लेवल है 1000-1100 के लेवल पे, यहाँ पे सिग्नल जो है आ चुके थे और ट्रिपल टॉप आप देख रहे हो कि क्लियर कट ट्रिपल टॉप मंथली पे बनता हुआ, मतलब कि भाई बड़ी मुश्किल हो रही है। और जैसे ही ये लोअर हाई बना उसके बाद लोग वहाँ से निकलने लग गए होंगे। देखिए लोअर हाई नहीं कहूँगा मैं इसको, कहूँगा ये लोअर लो इस पॉइंट पे जो 1100-1150 मान लीजिए कि इसी लेवल के आसपास उन्होंने भी धीरे धीरे माल को निकाला होगा। और टाइटन के शेयर को आज की डेट में देखें क्या कुछ हुआ, आज की डेट यानी कि 15 अप्रैल मार्केट बहुत ही खतरनाक तरीके से आज रिएक्ट करी, सुबह सुबह गैप अप ओपनिंग, फिर उसके बाद धराशाई हुए शेयर। अब टाइटन के शेयर को आप देख सकते हो यहाँ पे जो बॉटम बना है वो 720-721 का बॉटम बनाया है इसने, कब की डेट 24 मार्च को, और उसके बाद तेजी और ऐसा जंप आया कि स्टॉक ने 960 के आसपास गया, लेकिन उसके बाद फिर से गिरावट, एक रेंज में ट्रेड हुआ और वो रेंज ब्रेक हुई, लेकिन रेंज ब्रेक होने के साथ साथ आज का पेन बड़ा खतरनाक था, आज का पेन इतना खतरनाक था। और ये न्यूज़ अब मार्केट में आउट हुई है कि राकेश झुंझुनवाला जी ने शेयर्स बेच दिए, तो इसके साथ साथ सेलिंग भी, सेलिंग का प्रेशर बढ़ता है। हर किसी बड़ी न्यूज़ के साथ इस तरीके से कोई बड़ा एग्जिट जब होता है मार्केट में तो डेफिनेटली उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखा जाता है। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट अभी के टाइम पर अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा आपको दिख रहा है कंजम्पशन वाली थीम में।
अब देखिए दुकानें खुली नहीं है, ज्वेलरी कोई एसेंशियल आइटम तो है नहीं, तो इसकी दुकानें खुली नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, तो सीधे सीधे प्रॉफिट पे, रिवेन्यू पे सीधे सीधे असर पड़ेगा। तो आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि और गिरावट की एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल देखिए, अगर मैं टेक्निकल की बात करूँ तो तेजी जरूर थी। आप देखिए नया हायर हाई बनाया इसने, ये आवर्ली चार्ट है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे लो बनने के बाद हाई बना, हाई के बाद ये करेक्शन आया, करेक्शन के बाद ये तेजी जरूर देखने को मिली, फिर से ये जो है आपका लो बना रहा है। लेकिन ये लो अगर इस पॉइंट से ऊपर ही रहे, 860 पॉइंट से ऊपर ही रहे और जल्दी से यहाँ पे करेक्शन रिजॉल्व होकर तेजी देखने को मिले और इन लेवल्स को पार करें, तो फिर एक हायर हाई की फॉर्मेशन आप कहोगे। देखिए फर्स्ट लो, सेकंड लो और ये एल, ये थर्ड लो। अब आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है, तो एक कंफर्मेशन आवरली पे आपको मिलेगा इन लेवल के रिजोल्यूशन के बाद। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि करेक्टिव रिजॉल्व होना जरूरी है किसी भी स्टॉक में एंट्री के लिए, और अभी के टाइम पे ये बड़ी न्यूज इसमें थोड़ा सा पेन ला सकती है। और अगर आप यहाँ पे ये तो आप तो आपने डिटेल देखी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आज की डेट में देखूँ, आज की 15 मिनट के चार्ट को देखता हूँ, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जब भी आप इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड ले रहे हो या फिर लॉन्ग टर्म बेसिस पे ट्रेड ले रहे हो, जरा समझने की कोशिश कीजिए। आज 15 अप्रैल थी, 15 अप्रैल से पहले जहाँ पे मैं 9 अप्रैल को देख पा रहा हूँ, इतनी लंबी अपर शेडो, मतलब रिस्क ही रिस्क भरा पड़ा है। उसके बाद स्टॉक नीचे गिरता धराशायी होके 13 अप्रैल तक बिल्कुल 942 के लेवल तक आ जाता है। देखिए फिर थोड़ा तेजी देखने को मिलती है और एक लोअर हाई बनता हुआ दिखता है, लेकिन आज की डेट में ये पुराने दोनों लेवल ध्वस्त हो गए और मार्केट में धराशायी हो गए, बिल्कुल नीचे गिरे हैं। देखिए किस तरीके से नीचे गिरे हैं। आज आज की डेट में अगर आप देखोगे 15 अप्रैल में, सुबह तक तो सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा था। देखिए सुबह तक सब कुछ अच्छा लग रहा था और सुबह 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 मार्केट ने गैप अप ओपनिंग के साथ बड़ी लाल कैंडल, और फिर देखिए धीरे धीरे तेजी, फिर वापस सुबह का लो टूटा और वापस 940 के लेवल पे ये आ चुका है। एक टाइम पे आज की डेट में 990 के लेवल तक ये जरूर गया था, फिर अचानक ये गिरावट। और यही नहीं, खास करके बैंकिंग एंड फाइनेंशियल शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक और इस स्टॉक में भी इस तरीके से गिरावट आ रही है। अब बात आती है, कई लोग कहते हैं यार हमें शेयर को खरीदना है, तो मेरा तो यही मानना है शेयर में थोड़ा सा पॉजिटिविटी, जैसे कि आप अगर इस स्टॉक को आप देखो डेली पे देखो तो आपको पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिल रही होगी। तो कहीं ना कहीं अब ये लाइन ड्रॉ करते हैं, जरा देखते हैं। देखिए बेसिक चीज, अब इन लाइंस को देखिए, अब ये अगर इन लेवल्स को तोड़ता है तो काफ़ी रिस्की है। अगर आप ओवरऑल देखोगे ये लाइन जो मैंने ड्रॉ कर रखी है, बॉटम पॉइंट्स को टच करती हुई लाइन ड्रॉ कर रही है, लेकिन पिछले 2 दिन बड़े ही खतरनाक गए हैं। एक आज का दिन, एक आपका 13th of April, दोनों दिन बिल्कुल लाल हुई है मार्केट धीरे धीरे करके। देखिए लेकिन इसका सपोर्ट, इन लेवल्स के आसपास सपोर्ट मिलना जरूरी है। और जब भी हम सपोर्ट की बात करते हैं तो जैसे कि अभी आवरली पे मैं देखूँ तो काफ़ी क्रिटिकल पॉइंट पे ये खड़ा है। अब आप कहोगे कैसे क्रिटिकल पॉइंट, ये जो आप देख रहे हो 50 EMA की लाइन है आवरली बेसिस पे, इसके आसपास अगर इसको जल्दी से जल्दी सपोर्ट मिल जाता तो पॉजिटिव बात है, अदरवाइज इस स्टॉक में हम कहेंगे कि और पेन आपको देखने को मिल सकता है, और पेन आपको देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं जैसा मैंने आपको बताया कि 862 की ये जो लो है, इस लो से ऊपर ही इसका करेक्शन होना जरूरी है, इस लो से ऊपर ही इसका बॉटम पॉइंट होना जरूरी है, अदरवाइज हमारा जो हायर लो का फॉर्मेशन है वो भी जो है फेल हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी जरूरी है फिलहाल। अब हमने इतनी डिटेल्स तो देखी, आज के अगर मैं कारोबार की बात करूँ इसके टाइटन के, तो आज का कारोबार ज़रा देखिए 27 पॉइंट्स नीचे गिरा, 2.5% की ये 2.5 से 3% की ये गिरावट, ओवरऑल 990 पे ही ओपन हुआ था और ओपन होते होते 3937 के आसपास का लो बनाया था, मतलब लो के आसपास ही कहीं जो है क्लोज हुआ है। अगर आप डिलीवरी की बात करो तो 37% के आसपास की डिलीवरी है, और ये बड़ी न्यूज़ जो आई है ये खतरे की घंटी इस स्टॉक के लिए, इस स्टॉक के लिए नहीं पूरी मार्केट के लिए है, जो IMF ने ही इतना तगड़ा झटका आज की डेट में दिया है। 2008-2009 से बड़ी गिरावट की बात कही है। और आज की डेट में अगर आप निफ्टी को देखो, ये तो हमने टाइटन की बात करी, साथ में निफ्टी को भी देख लेते हैं। निफ्टी को देखो तो आप देखिए किस तरीके से 5 मिनट के टाइम पर आप देखा एकदम ही पेन आ गया, और ये पेन 11-12 बजे से स्टार्ट हो चुका था। 11 बजे के आसपास जैसे इसने ये बॉटम पॉइंट बनाया, फिर धीरे धीरे देखिए 12 बजे के आसपास लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाते, 5 मिनट का चार्ट है, लोअर हाई बनाते बनाते आपने देखा कि किस तरीके से बड़ी गिरावट आई, और निफ्टी आज के जितना गैप अप था उसको भी सब कुछ निपटा चुका, जितना गैप क्रिएट किया था वो गैप से नीचे ही बंद हुआ है। यानी कि इवन कल का जो क्लोज था, कल यानी कि 13th अप्रैल का जो क्लोज था उससे भी नीचे आज क्लोज हुआ है। तो सोचने वाली बात है कि मोर पेन अभी बचा हुआ है। अगर किसी सेक्टर को हम देखते हैं कि कहीं पे पॉजिटिविटी है तो वो ओनली FMCG बास्केट या फार्मा बास्केट है, उसके अलावा कहीं भी पॉजिटिविटी आप नहीं देख सकते। एक नज़र फिर से मैं आपको आज की डेट में देखूँ, FMCG बास्केट पूरा का पूरा मान के चलिए 4 से 5% जंप किया। इसमें बड़े बड़े नाम FMCG बास्केट में, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर 5% जंप, ब्रिटानिया, डाबर, ITC, मैरिको, टाटा कंज्यूमर, सब में तेजी देखने को मिली है, नो डाउट। और FMCG भाई कंजम्पशन वाली थीम है तो तेजी तो देखने को मिलेगी। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। 1 करोड़ शेयर जरूर बेचे हैं, 900 करोड़ का माल बेचा गया है,
टाइटन के शेयर में राकेश झुंझुनवाला जी की तरफ से या उनकी वाइफ उनकी तरफ से मिलकर उन्होंने 1.03 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं, और वो भी टाइटन में पूरे मार्च क्वार्टर में, पूरे मार्च क्वार्टर। अब देखिए पेन तो मार्च क्वार्टर में ही आया था मेन पेन। और वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।